अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक इस जॉर्ज लंकी चक्की में। संघर्ष हमारा नारा है, इस जॉर्ज लंकी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जिंदाबाद, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जिंदाबाद, इम्प्लाई चुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इम्प्लाई चुट्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन, आज जो हमारा स्ट्राइक जो हमने एक दिन की किया है, इसका जो मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी सैलरी है। सैलरी तो हमें मिलती है वो समय पे नहीं मिलती है, 3-4 महीने कई बार 3 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, और जब तक हम बैठते नहीं हैं तब तक हमें सैलरी नहीं मिलती है। आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक में हम सबसे ज़्यादा काम किया है, हमारी वर्कर्स ने हर काम किया है, वो चाहे सैम्पलिंग हो, चाहे वो होम क्वारंटीन पेशेंट हो, पॉजिटिव पेशेंट की केयर हो, घर में जाके उसको दवाई पहुँचानी हो, या इंजेक्शन वैक्सीनेशन करना हो। 100 करोड़ जो वैक्सीन हमने की है उसमें जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुई है उसमें हम वर्कर्स ने भी पूरा अपना 100% योगदान दिया है, पर इसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं दी जाती। हम परेशान हो गए हैं, हमारे बच्चों की फ़ी हम नहीं दे सकते, हमारे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनको पुनिश किया जा रहा है, हर बार हमें सैलरी के लिए यहाँ पे बैठना पड़ता है। हमारी कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है और वो अपने लोन की किस्त तक नहीं दे पा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम अपना काम कर रहे हैं। हमें मन नहीं करता कि हम यहाँ पे बैठें, पर हमें मजबूर किया जाता है यहाँ बैठने के लिए। इसलिए मैं गवर्नर सर से और हमारे जो सेंटर में हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो सैलरी है, जो पेंडिंग सैलरी है 4 महीने की, जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए और उसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। जैसे बाकी एम्प्लॉयज़ की 5-6 तारीख को सैलरी आ जाती है, हम भी अपने मैसेज का इंतजार करते हैं कि हमारी सैलरी कब आएगी, पर हमारी सैलरी आती नहीं है। यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो पेंडिंग सैलरी रिलीज़ करें और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन करें। थैंक यू।